देखा गौरी, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। तो इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे आप कि आपके आराध्य इस सभा में पधारे। भक्त सदैव अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा में ही रहता है, परंतु जिस घटना को लेकर मैं इतना उतावला हो रहा था वो अभी घटनी शेष है। ऐसी क्या घटना घटने वाली है? देखती जाओ गौरी, जब वो घटना घटेगी तो कुछ तो हो जाएंगे मंत्रमुग्ध और कुछ चौंक जाएंगे। आज आप सबने बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रस्तुति की है। मुझे विश्वास है कि आज इस प्रस्तुति को देखकर नटराज अवश्य ही बहुत प्रसन्न हुए होंगे। परंतु जैसी रीति है, विजेता तो एक ही होता है, इसलिए आज वेंकटगिरी में आयोजित इस प्रतियोगिता की विजेता हैं शांभवी। धन्यवाद राजकुमारी, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। परंतु सत्य किसी से छिपा नहीं है, वेंकटगिरी की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी मैं नहीं, कोई और है जो यहाँ उपस्थित है, परंतु उसने अब तक प्रस्तुति नहीं दी। आप राजकुमारी, आप, यदि आप एक प्रस्तुति दे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ हाँ राजकुमारी, आप भी प्रस्तुति दीजिए। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, मेरे लिए नृत्य आराधना है, कोई प्रतियोगिता या प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं। मैं नृत्य इसलिए नहीं करती कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकूं। मैं नृत्य करती हूँ नटराज की आराधना के लिए। जिस दिन मुझे कोई ऐसा नर्तक मिले जिसे देखकर मुझे लगे जैसे साक्षात नटराज की कृपा है उस पर, उस दिन मैं अवश्य नृत्य करूंगी, अन्यथा क्षमा चाहती हूँ, उससे पूर्व मैं किसी के लिए कोई प्रस्तुति नहीं दूंगी। रुक जाइए राजकुमारी, मैं आपको बताना चाहता था कि ये प्रतियोगिता इसका भी अंत नहीं हुआ है। सर्वश्रेष्ठ नर्तक का ये पुरस्कार इन्हें नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अनुसार मैं सर्वश्रेष्ठ नर्तक हूँ। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सिद्ध करने के लिए मैं आप सबके समक्ष यहाँ नृत्य प्रस्तुत करूंगा। कौन हो तुम और बिना आज्ञा के तुमने भीतर कैसे प्रवेश किया? राजकुमारी जी, ये भी इसके साथ यहाँ आया है। राजकुमारी, मैं गोविंद राज हूँ और ये श्रीनिवास है। हम दोनों आज ही इस राज्य में काम ढूंढते हुए आए हैं, और हमें जैसे ही पता चला कि आज यहाँ एक नृत्य की प्रतियोगिता हो रही है, तो हम दोनों कलाकार स्वयं को रोक नहीं पाए। फिर यहाँ आने के पश्चात पता चला कि ये तो मात्र स्त्रियों की प्रतियोगिता है। आज का दिन और आज की ये सभा मेरे लिए विशेष पवित्र है, क्योंकि ये नटराज का महोत्सव है। इसलिए मैं इन दोनों को ना ही दंडित करूंगी ना ही इन्हें बंदी बनाऊंगी। सैनिकों, अभी इसी क्षण इन दोनों को इस प्रांगण से बाहर कीजिए। इसकी क्या आवश्यकता, हम स्वयं ही चले। एक सैनिक, क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु इस सभा का आयोजन किया गया है नृत्य के लिए। मैं यहाँ पे आया हूँ नृत्य करने के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। फिर इस कृत्य के लिए हमें इस प्रांगण से बाहर क्यों भेजा जा रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्योंकि ये प्रतियोगिता केवल स्त्रियों के लिए है। क्यों, यहाँ पे पुरुष नृत्य नहीं कर सकते, या पुरुषों को नृत्य आता ही नहीं है?
इस स्त्री पुरुष में इतना भेदभाव क्यों होता है राजकुमारी? है तो दोनों समान ही ना। स्वयं भगवान भी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते, फिर हम क्यों करते? स्त्री और पुरुष एक दूसरे से अलग नहीं होते राजकुमारी, अभी तो स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखें, नारायण के साथ लक्ष्मी का नाम लिया जाता है, उन्हें साथ पुकारा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहकर, लक्ष्मी नारायण कहकर। ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा? वैसे भी नृत्य तो मात्र एक कला है, पर इस कला में लिंग भेद करके क्या लाभ होगा? कोई मुझे समझाए? ओ तो यहां साक्षात नटराज की मूर्ति विराजमान है। राजकुमारी, नटराज पुरुष नहीं है? वो भी तो पुरुष है। जिस स्थान पर हम भगवान की मूर्ति रखते हैं उसे हम मंदिर कहते हैं। मंदिर कहते हैं जिसमें मन को अधिक महत्व दिया जाता है। अब ये मन, इसका तो कोई लिंग नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, ये ना स्त्री का है ना पुरुष का है, ये तो बस मन नहीं। नटराज के समक्ष नृत्य करो तो मात्र नृत्य ही दिखता है, नृत्य की कला दिखती है, नृत्य का भाव दिखता है, स्त्री या पुरुष नहीं। और यदि आप स्वयं देखें तो नटराज के इस नृत्य मुद्रा में स्त्री पुरुष के भाव गुण का संयोग है। मैंने सुना है कि आप और आपके पिताश्री नटराज के भक्त हैं, तो नटराज के नाम के लिए ही सही मुझे नृत्य करने का एक अवसर दे दीजिए ना। तो तुम्हारा मानना है कि स्त्री और पुरुष में कोई असमानता नहीं? कोई असमानता नहीं। तो फिर क्या तुम इस प्रतियोगिता के लिए स्त्री बनोगे? क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैं क्या कर रहे हो तुम? क्यों फंसा रहे हो श्रीनिवास? इससे पूर्व की राजकुमारी के मन में क्रोध जागे और वो अपना निर्णय बदलकर हम दोनों को कारागार में डालते। चलो चले यहाँ से। गोविंदराज, आज मैं यहाँ नृत्य करके ही रहूंगा। उससे पूर्व उत्तर दो, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्त्री बनोगे? क्यों नहीं? जब एक माता समय आने पर अपने संतान के लिए पिता बन सकती है तो मुझे स्त्री का रूप धारण करने में क्या लज्जा है? वैसे भी हर एक स्त्री प्रत्येक दृष्टिकोण से पवित्र होती है। अब इस पवित्रता का रूप धारण करना, ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। मैं तो सदैव तत्पर रहता हूं ऐसे अवसरों के लिए। हम सभी जानते हैं कि स्वयं नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो मुझ जैसे नर को एक नारी का रूप धारण करने में लज्जा कैसे? मैं तो यहां आया हूं बस नृत्य करने के लिए, बस एक अवसर मिल जाए। नृत्य करना है तुम्हें? मन तो करता है कि इसी क्षण बलपूर्वक तुम्हें यहां से बाहर निकलवाकर कारावास में डाल दो, पर तुमने भगवान शिव का नाम लिया है। भगवान शिव का नाम लेने वाले को आज मैं दंडित नहीं कर सकती, इसलिए तुम नृत्य करो, पर यहां कोई भी दर्शक नहीं होगा, ना संगीत ना ही ताल।
जाम्भवी, तुम्हारा पुरस्कार। आज तक तो नटराज ने ही नारायण को नृत्य दिखाया, परंतु आज स्वयं नारायण नटराज के समक्ष श्रीनिवास रूप में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। के साथ स्वयं नटराज हो, उसे दर्शक की आवश्यकता कहाँ। जिसके मन में नटराज की ये भक्ति गूंजे, उसे संगीत के लय की क्या आवश्यकता। जहाँ शिव के डमरू बजे, वहां ताल की क्या आवश्यकता है। अब मैं नृत्य करूंगा और नटराज सिद्ध करेंगे कि मैं योग्य हूं या नहीं। अवश्य करो, नटराज को स्वयं चयन करने दो और वही तुम्हें पुरस्कार भी देंगे। चलो, ये भी उचित है। नटराज, आप सज्ज हैं अपने श्रीनिवास का नृत्य देखने के लिए। इस क्षण की तो मुझे कब से प्रतीक्षा थी नारायण, मैं इसके लिए सज्ज हूं। कितना अद्भुत दृश्य है ना ये गौरी। किंतु महादेव, श्रीनिवास ने रंग क्यों फेंका और उस पर नृत्य क्यों कर रहे हैं? तुम तो जानती हो गौरी, नारायण के प्रत्येक कृत्य के पीछे कोई ना कोई विशेष मंतव्य अवश्य होता है। नारायण ने नृत्य करते हुए धरा पर गुलाल क्यों छिड़का, इसका कारण भी सामने अवश्य आ जाएगा। अभी के लिए तो बस मैं इस नृत्य का आनंद लूंगा और जैसी आराध्य की इच्छा है उनके इस नृत्य का परीक्षण भी करूंगा। और यदि उनकी प्रस्तुति श्रेष्ठ रही तो उन्हें पुरस्कार भी अवश्य दिया जाएगा। ऐसा सौभाग्य कदाचित ही किसी को मिलता होगा। ये तो तुमने सत्य कहा गौरी, श्रीनिवास का नृत्य कौन देखेगा कौन नहीं, ये तो उन्हीं की इच्छा। परंतु यदि उनकी भक्ति में पुकार है, नृत्य में श्रेष्ठता की ललकार है, तो चमत्कार अवश्य होगा। एक ऐसा चमत्कार जो लक्ष्मी नारायण को मिलाएगा।